हारमोनियम के बारे में मेरे को जितने मैसेजेस आ रहे हैं उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमें हारमोनियम मेल वॉइस के लिए चाहिए या फीमेल वॉइस के लिए चाहिए। तो मोर और लेस मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है पिछले अराउंड 34 ईयर्स में जो मैंने म्यूज़िक का बिज़नेस किया है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें मैंने एज सच ये नहीं देखा किसी का स्पेसिफिकली कि किसकी किस हारमोनियम की आवाज़ मेल से नाच करती हो, किसकी फीमेल से नाच करती हो, क्योंकि बास मेल फीमेल हारमोनियम्स आर मोर और लेस यूनिवर्सल साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो दोनों के लिए यूज़ होते हैं। और आप बास मेल फीमेल लें तो उसमें एक हाई पिच ऐड हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि फीमेल वॉइसेस के लिए पतली आवाज़ का हारमोनियम होता है या मेल वॉइस के लिए कोई ज़्यादा भारी आवाज़ का हारमोनियम हो या पतली आवाज़ का हारमोनियम हो। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आपको कौन सा आवाज़ कौन सी आवाज़ अच्छी लग रही है जिसमें आप गाना चाहते हैं। हारमोनियम की आवाज़ से बेटर आपकी वॉइस के लिए या हारमोनियम की आवाज़ से बेटर आप किसी चीज़ के साथ नहीं गा सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है।